What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. अगर आप इस चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चली गया होगा कि गुजराती रेसिपीज़ मेरे को कितनी पसंद है. उंधियू बनाया है, खमन बनाया है, इदड़ा बनाया है, सूरती लोचो बनाया है, खांडवी बनाई है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं आज. और एक इनक्रेडिबल नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो गुजराती रेसिपी है, जिसको हांडवो कहा जाता है. अब जिन लोगों को पता है उनको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि हांडवो होता क्या है, बेसिकली चावल और तीन दालें, उड़द दाल, चना दाल और तुअर की दाल को सोक करके ग्राइंड किया जाता है, फिर उसको फर्मेंट किया जाता है. फर्मेंट होने के बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, वेजिटेबल्स को ग्रेट करके ऐड किया जाता है और एक बैटर तैयार करते हैं और फिर इसे पकाया जाता है, या तो पैन में, कढ़ाई में, या एक हांडवो का स्पेशल बर्तन आता है उसके अंदर भी पकाया जाता है. और एक ऐसे मोटी सी डिस्क बनती है, बाहर से क्रिस्प लेयर आ जाता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, थोड़ा सा केकी होता है, और इसको फिर चटनी के साथ और चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है. सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, नाश्ते में आप खा सकते हो और बहुत ही इनक्रेडिबल लगती है. और अगर आपने अभी तक IFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से जल्दी दबा दो. इस वीडियो को देखकर अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा देना. एंड इफ़ यू आर अ गुजराती, अपने नॉन गुजराती फ्रेंड्स को ये रेसिपी शेयर करो और उनको बताओ हाउ इनक्रेडिबल हांडवो इज. तो सबसे पहले हांडवो का परफेक्ट बैटर कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं. एक बड़े से बोल में 1 कप शॉर्ट ग्रेन राइस, आधा कप चना दाल, 1/4 कप तुअर दाल और 1/4 कप उड़द दाल ऐड कर दीजिए. अब पानी डालकर आपको चावल और दालों को अच्छे से धो लेना है. 3 से 4 बार अच्छे से धो लीजिए जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाता है. एक बार आपने अच्छे से धो लिया है सारी चीज़ों को, फिर इसमें इनफ पानी ऐड कीजिए. पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर रहा हूँ फर्मेंटेशन में हेल्प करने के लिए. अब इसको ढककर आपको कम से कम इसे 5 से 6 घंटे के लिए सोक करने रख देना. तो चावल और दालों को सोक करने अभी हमने रख दिया है. जो मेथी दाना हमने ऐड किया है इसके अंदर, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा क्योंकि अभी ठंड का मौसम चालू है. गर्मियों में अगर मेथी दाना नहीं भी डालोगे तो चलेगा, जो बैटर है हमारा इजीली फर्मेंट हो जाता है. जो शॉर्ट ग्रेन चावल मैंने आपको बोले, इस रेसिपी में बासमती चावल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी छोटा चावल होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं. एक बार आपने चावल और दालों को 5 से 6 घंटों के लिए भिगो लिया है, या ओवरनाइट भी अगर भिगो लिया तो चलेगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं. तो आप देख सकते हो चावल और दाल हमारे अच्छे से फूल चुके हैं, अच्छे से हमने इन्हें सोक कर लिया है. ये जो पानी है, इस पानी को निकाल कर आपको डिस्कार्ड कर लेना है. अब एक दूसरे बोल के अंदर आपको 1/3 कप खट्टा दही लेना है, 1 कप इसके अंदर पानी ऐड करना है. ये दोनों चीज़ों को, दही और पानी को, अच्छे से मिला लेना है. दही खट्टा यूज़ करना थोड़ा सा ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है. अब आपको करना ये है कि जो भिगोए चावल और दाल है उसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालना है, साथ ही में जो दही और पानी को मिक्स किया था, जो इस छाछ जैसी हमने बनाई है, उसे ऐड करना है और इसे अभी आपको साथ में ग्राइंड कर लेना है. मैं चावल दाल और ये छाछ जो बनाई है इसको 2 बैचेस में ग्राइंड कर रहा हूँ. टेक्सचर जो है ना, आपको फाइन ही पीसना है, लेकिन हल्का रवा जैसा टेक्सचर इसमें आना चाहिए, एकदम भी फाइन मत पीस देना, मैं आपको भी बताता हूँ. ये एक बार ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हो मैं हाथ में जब भी बैटर को इस तरीके से फैला रहा हूँ, हल्के हल्के दाने दिख रहे हैं जैसे रवा होता है, ये टेक्सचर तक आपको इसे पीस लेना है. तो सेम तरीके से बाकी भी बैटर को पीस लीजिए और एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए. बैटर को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको बस हल्का सा इसको फेंट लेना है. तो एक विस्क ले लीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए इस बैटर को फेंट लीजिए. इसे एक ढक्कन लगा दीजिए. ढक्कन लगाकर कोई भी वार्म जगह पे इसे रख देना है और 10 से 12 घंटे के लिए फर्मेंट होने छोड़ देना है. तो बैटर को हमने फर्मेंट करने रख दिया है. अब वार्म जगह पे, मतलब आपके घर पे अगर ओवन होगा या माइक्रोवेव ओवन होगा उसके अंदर रख दीजिए, कोई कैबिनेट है उसके अंदर रख दीजिए, थले पर रख रहे हो, प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो, एक कपड़े से ढक दीजिए कि हल्का सा वार्म एनवायरनमेंट हो जाए फर्मेंटेशन प्रोसेस को आसानी से होने में. ठंडी के मौसम में 10-12 घंटे लग जाते हैं. गर्मियों के मौसम में अगर ये वीडियो देख रहे हो और बना रहे हो तो 6-7 घंटे 8 घंटे में ही फर्मेंटेशन हो जाती है. तो चेक कर लेना, एकदम वो सावर स्मेल नहीं आनी चाहिए, खट्टा हो जाता है बैटर अगर ओवर फर्मेंट हो गया तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए. मेथी के बारे में तो पहले ही बता दिया था कि अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो मेथी मत डालिए. क्या होता है, इसमें खट्टा दही भी डाला है तो अगर आप ओवर फर्मेंट कर दोगे तो बहुत खट्टा हो जाएगा बैटर, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसका, तो ध्यान देना इस चीज़ का. एक बार 10 से 12 घंटे हो जाए, फर्मेंट हो जाए आपका बैटर, आपको दिखा देता हूँ बैटर कैसे दिखेगा और आगे का प्रोसेस भी देख लेते हैं. तो 10 से 12 घंटे बाद आप देखेंगे कि बैटर थोड़ा आपका फूल जाएगा. आप देख सकते हो अंदर से कैसे इसमें हवा इनकॉर्पोरेट हो गई है, अच्छे से हमारा बैटर जो है वो फर्मेंट हो गया है. एक बार आपका बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाए उसके बाद इसमें हमको कुछ वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करनी है. तो यहाँ पर मैंने एक लौकी ले ली है, लौकी का आधा ही हिस्सा हम यूज़ करेंगे. तो आधा लौकी को आपको काट लेना है,
लौकी को काटने के बाद इसका जो छिलका है आपको वो पील कर लेना है, छिलके को निकाल देना है। लौकी को छीलने के बाद यहाँ पर इसमें मैं गाजर भी ऐड करने वाला हूँ, तो एक आपको मीडियम साइज़ की गाजर लेनी है। गाजर का टॉप और बॉटम निकालने के बाद सेम तरीके से गाजर का भी छिलका निकाल लीजिए। एक बार आपने सब्जियों का छिलका निकाल दिया है, अब इन्हें ग्रेट करना है। ग्रेट करने के लिए ग्रेटर का मोटा वाला हिस्सा यूज़ करेंगे, जो बड़े होल्स होते हैं उससे ग्रेट करना है, पतले वाले हिस्से से ग्रेट मत कीजिए। दोनों सब्जियों को आपको अभी कद्दूकस कर लेना है। तो आप देख सकते हो गाजर और लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेटेड गाजर और लौकी को अभी बैटर के अंदर हमको ऐड कर देना है। साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली यहाँ पर ऐड की है, हल्की सी क्रश कर ली थी। यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर रखी है 4 हरी मिर्ची और 3 इंच अदरक की, वो ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून शक्कर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून मूंगफली का तेल ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अभी अच्छे से मिला लेना है। ध्यान देना है कि बस सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना है, ओवर मिक्स मत इसे कर देना। ये आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख लेते हैं, हल्का सा ना गाढ़ा लग रहा है मेरे को ये मिक्सचर, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगा। तो लगभग 1/4 कप पानी मैंने इसमें एडिशनल ऐड किया है, इसे मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद आप देखोगे इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं है या थोड़ा और पानी डालना है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारे हांडवो का बैटर अब रेडी हो गया। तो हांडवो का बैटर रेडी हो गया है। आपने देखा कोई मुश्किल नहीं है बनाना, फर्मेंटेशन हो गई, सिंपल ही चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी होती हैं। कुछ चीज़ें अभी बैटर में इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आपने जब बैटर बना लिया ना, सब्जियाँ डालने से पहले आपको अगर स्टोर करना है, जैसे आधा ही बैटर आज यूज़ करना है, आधा बैटर शाम को या कल सुबह यूज़ करना है, तो आप सब्जियाँ मत ऐड कीजिए। आधे बैटर को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके आप फ्रिज में रख दीजिए, तो आपका बैटर अगले दिन तक भी चल जाएगा, ख़राब नहीं होता है। तो वो एक आपको चीज़ बता दिए। दूसरी चीज़, रोस्टेड पीनट्स जो इसमें ऐड किए हैं, बहुत अच्छा इसका क्रंच और फ्लेवर आता है, तो वो ज़रूर ऐड कीजिए, उसको स्किप मत करना। सब्जियाँ जो ऐड की हैं वो सबके घरों में अलग अलग सब्जियाँ ऐड की जाती हैं। मैंने आज गाजर और लौकी यूज़ की है, आप कैप्सिकम ऐड करना चाहते हैं, बेल पेपर्स ऐड करना चाहते हैं, स्वीट कॉर्न ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सब्जियों को आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने लाइकिंग के हिसाब से। और दूसरी चीज़ जो एक है कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको बताया, हल्का सा ढीला ये बैटर होता है, एकदम थिक नहीं होता, तो पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्वांटिटीज़ बताई है वही अगर फॉलो करोगे, लगभग 1/4 कप पानी जितना मैंने ऐड किया था उसमें बराबर कंसिस्टेंसी आपको हमेशा मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ हो गई, बैटर के बारे में आपको बता दिया। इससे आपको मैं लगभग बता देता हूँ कि ये साइज़ की ना, इतने साइज़ की 4 से 5 या 5 से 6 हांडवो बन जाते हैं। अगर आपको लगता है क्वांटिटी ज़्यादा है आपकी फैमिली के लिए, तो आप आधी रेसिपी की क्वांटिटीज़ भी बना सकते हो एक टाइम पे। तो एक बार ये रेडी हो जाए, अब इसको तड़का देकर हमें पकाना कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पकाना अच्छे से इसको कि बराबर टेक्स्चर आए, वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। हांडवो को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की कढ़ाई ले ली है, स्टेनलेस स्टील की थिक बॉटम वाली, मोटे वाले तले की कढ़ाई है, ऐसे आपको यूज़ करनी है। तो अगर आपके पास स्टेनलेस स्टील की मोटी कोई कढ़ाई है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें हांडवो चिपकता नहीं है, नॉनस्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कढ़ाई पतली है ना तो कई बार हांडवो चिपक जाता है, तो आप नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। पैन के अंदर भी इसको बना सकते हो, कढ़ाई में भी बना सकते हो, और एक हांडवो का ना एक बर्तन आता है, वो बर्तन में भी पका सकते हो अगर ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ पकानी है। कई बार एक साथ भी पका देते हैं हम, आज 3-3 खाली करछियाँ बैटर के यूज़ करके हांडवो बनाएंगे, क्योंकि छोटी कढ़ाई यूज़ करें। अब जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए हांडवो एक टाइम बनाने की, उतनी क्वांटिटी में हम हल्का सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और फिर इसको डालेंगे। तो वो प्रोसेस कैसा है और इसको तड़का क्या देना है वो देख लेते हैं। तो हमारे बैटर में से 3 करछियाँ यहाँ पर बैटर की ले रहा हूँ, एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 1 चुटकी आपको इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेकिंग सोडा की जगह पर आप थोड़ा सा इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब कढ़ाई के अंदर आपको 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली का तेल डालना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड करने। हल्का सा स्टर कर लीजिए। अब इसके अंदर बैटर को इवनली आपको पोर कर देना है। बैटर एक बार आपने इसमें डाल दिया है तो इसको ढक दीजिए और ढक कर एकदम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है। 8 से 10 मिनट में होगा क्या, ऊपर की जो सतह है इसकी, ऊपर की जो लेयर है वो आप देखेंगे कि वो सेट हो जाएगी, वो वेट नहीं रहेगी। उस स्टेज तक आपको इसे पकाना है। तो 8 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो ऊपर की लेयर हमारी सेट हो गई है। इसको भी हल्का सा छुड़ा लेना है और फिर इसको पलटी कर देना है। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्रस्ट आ गई है, ये जला बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही ये क्रस्ट आनी चाहिए।
अब दूसरे साइड से भी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हांडवों को पका लीजिए। 4 से 5 मिनट बाद आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो दूसरे साइड से भी अच्छे से हांडवो पक चुका है और ये हमारा हांडवो भी सर्व करने के लिए रेडी हो गया। हांडवो आपने देखा हमारा तैयार हो गया है। इसको बहुत आसान होता है पकाना, बस ये ध्यान देना है कि एकदम लो फ्लेम पर ढककर आराम से पकाइए, नहीं तो अंदर से कभी कभी कच्चा रह जाता है। अगर लो फ्लेम पर पेशेंटली इसको पकाएंगे तो अंदर से पक जाएगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा और वो आपने जो क्रस्ट देखी वो क्रस्ट आ जाएगी। जब भी खाओ ना ऊपर से वो क्रस्ट और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट वो टेक्सचर्स जो है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अभी बस इसको कट करना है और सर्व कर देना है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा हांडवो का क्रस्ट कितने अच्छे से आया, अंदर से आपने देखा कितना सॉफ्ट था और एकदम ब्यूटीफुल डिलिशियस फ्लेवर आया इसका। कई बारी क्या होता है हांडवो बहुत ड्राई हो जाता है, लेकिन आप इस तरीके से बैटर बनाओगे, सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो अंदर से हांडवो बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा, वो एक क्रिस्पी सा एज आएगा, खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। साथ में चटनी जो सर्व की है उसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से देखकर आप बना सकते हो। साथ में चाय पीजिए और इन्जॉय कीजिए नाश्ते की रेसिपी जो मैंने आपको बताया था। आपको और हांडवो बनाना है तो बस 3 करछियाँ आपने ली या 4 करछियाँ ली, जिस हिसाब से आपका बर्तन का साइज़ है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें डाला, ये इनो डाला, मिक्स करके इसी तरीके से पकाते रहिए और आप सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये गुजरात की स्पेशल रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।